हेलो मिनी, हाउ आर यू? मिनी, अज दीदी पंजाबी ते अपना जो साइंस दा नवीं क्लास दा चैप्टर केड़ा आना है ते टॉपिक केड़ा आना है उस दे विच? हेलो प्रिया, हाउ आर यू? आई एम गुड। एंड प्रिया, आज जो टॉपिक आना है ना, वो अपना थर्ड चैप्टर जो चल रहा है ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु अते यानी ओदे विच आना है। आज का टॉपिक है जी मॉलिक्यूल्स यानी अणु। सो की होया, पर तू रो क्यों रही है? मैंने पता की आ, साड़ी ना लाइट चले गई आ, ते मेरा टॉपिक आज मिस हो जाना आ। हुन फिर मैं वो कीवें समझांगी, मैनू समझ नहीं आ रहा। ओ प्रिया, इस चे रोन दी की गल है? तू भी ना बस रोन लग जानी है छोटी छोटी गल्ला दे। चल तू इदा कर, फोन रख के साडे घर आ जा छेती ना छेती। टॉपिक बस 10 मिनट दे विच स्टार्ट होने वाला है, तेनू पता है ना टाइम दा? हां हां, चल आ जा जल्दी। ओके, मैं इंतजार करदी हां। हाँ ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आ जानी हूँ। ओके, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओहो, थैंक यू दी कोई गल नहीं, असि दोस्त कादे लई आ? दोस्त एक दूजे दी हेल्प लई ही हुंदे आ। जे मेरे अज टीवी चल रहा, तेरे नहीं चल रहा, ते मेरा भी ते फोन उस दिन खराब सीगा ना, ते सारा जो स्कूल दा काम सी तू सेंड कीता। चल कोई गल नहीं, तू आ जा बस, जल्दी रोना नहीं है, ठीक है? जल्दी आ जा हुन। ओके, टेक केयर। हाँ हाँ, मैं जल्दी जल्दी आ रही हूँ, बस सिर्फ मैंने 5 मिनट लगने हैं, बहुत स्पीड ना लाऊंगी। ओके, मिलती हूँ तेरे घर। हाय, टाइम हो रहा है, बस मेरी फ्रेंड हुन छेती छेती आ जावे घर। टॉपिक भी शुरू होने वाला है आज का। मिनी किन्नी चंगी आ ना, बहुत वधिया दोस्त आ। सही गल आ, मैम कहंदे आ कि दोस्त जड़े आ एक दूजे की मदद करते आ, चाहे उन्हें लॉकडाउन दे विच असीं एक दूजे तो दूर हाँ, पर फिर भी असीं किन्ना कुछ एक दूसरे लिए कर सकते हाँ। सो यही साडे लिए बहुत है छोटे बच्चों के, असं किसी को कॉपी शेयर कर लें, असं एक दूसरे नाल टीवी भी शेयर कर लें, और असं एक दूसरे नाल अपना काम शेयर करते हैं। सो किन्नी चंगी आ मेरी दोस्त, मैम भी साडे किन्ने वधिया ने जो सानू ये सब कुछ सिखाते हैं, और असं सारे बच्चे मैम नू फॉलो करते हैं। बस हुण मैं जल्दी जल्दी पहुँच जावा मिनी दे घर, टॉपिक ही ना स्टार्ट हो जाए कितने। हाय, जल्दी पहुँचना मैं, जल्दी जल्दी। आई नहीं मेरी फ्रेंड हले तक, पता नहीं की गल है, किथे रुक गई है? हेलो मिनी, मैं आ गई। हेलो प्रिया, आ जा हुन जल्दी जल्दी बैठ जा, बस टॉपिक 1-2 मिनट के बीच शुरू होने वाला है। ओके, चल जल्दी आ। हाँ हाँ, बस बैठ गई है ना। हाँ यार, थैंक यू मिनी, तू मेरी मदद की थी आज। वाह, टॉपिक शुरू हो गया है ना प्रिया, मॉलिक्यूल्स। चल असी आज चंगी तरह समझ लिया दोनों इकट्ठे, और बाद में सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, आज दे पाठ 3 यानी परमाणु अते अणु दे नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूल्स यानी अणु दे विच तुहाडा सब दा स्वागत है। असी हुण तक पढ़ चुके हैं परमाणुआं बारे कि परमाणु ना वंडन योग हुंदे ने, ते सब तो सूखम एक कण हुंदे ने पदार्थ दे, पर अज अणुआं बारे पढ़दे हाँ कि साडे आस पास यौगिक अते तत् हन, उन्हां दे सब तो छोटे रूपां जो स्वतंत्र रूप ने उन्हां दे वजों असीं मॉलिक्यूल्स नूं भी जानदे हां। जिवें गल करांगे अज हाइड्रोजन दे बारे, ऑक्सीजन दे बारे, कार्बन डाइऑक्साइड दे बारे, मीथेन दे बारे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ते ना जाने किन्ने ही होर जो साडे कोल वक्खरे वक्खरे तरहां दे अणु ने उन्हां दे बारे। सो आओ चलदे हां अगे स्टडी करदे हां, और वक्खरे वक्खरे इन्हां दे बारे पढ़ांगे कि कीवें कीवें दे साडे कोल अणु हुंदे ने। सो अगर गल करिए स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इत्थे उपर तुसीं देख सकदे हो ऑक्सीजन दे मॉलिक्यूल दी पिक्चर आ, नाल ही वाटर मॉलिक्यूल है, पानी दा मॉलिक्यूल है, सॉल्ट मॉलिक्यूल है, NaCl जो हुंदा है, शुगर ग्लूकोज दी गल है। सो मॉलिक्यूल्स की हुंदे ने? मॉलिक्यूल्स परमाणुआं दे सुमेल तो बनदे ने, यानी जदों भी एटम्स आपस च मिलते हैं, चाहे एक तत् के होन चाहे अलग अलग तत्तों के होन, तो जो कंबाइन करते हैं एटम रसायनिक तौर पर, उन्होंने हीट तो लाइट के प्रेजेंस भी होंगे बहुत सारे रिएक्शन, तो अणु का निर्माण होंगे है। सो इतें गल करते हैं असी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी O2, जिसका मतलब है ऑक्सीजन दो परमाणुओं के सुमेल तो बनता है, एक ओ अते एक होर ओ, यानी ऑक्सीजन ते ऑक्सीजन जुड़ के दो ओ जदों मिलते हैं O2 का निर्माण करते हैं, जिसनों असी ऑक्सीजन का अणु बोलते हैं, यानी ऑक्सीजन के अणु विच दो डाई, सो ऑक्सीजन का अणु एक डाई अटोमिक मॉलिक्यूल हो जाता है। ठीक है, सारियां नूं समझ आ गई बेटा? तो इस तरह जो नाइट्रोजन होंदा है, वह भी दो नाइट्रोजन के
परमाणुआ तो मिलके नाइट्रोजन गैस यानी मॉलिक्यूल बनता है जिस दे विच तीन बंधन होंगे ने। सो एन एन यानी एन टू नाइट्रोजन। सो अगे आता है HCl हाइड्रोकलोरिक एसिड। हाइड्रोकलोरिक तेजाब इस एक एच तो एक क्लोरीन यानी वक्रे वक्रे तत्तों के एटम जो ने वो लगे ने। इस तरह सी ते ओ कार्बन मोनोक्साइड बनाते ने। ये दो अलग अलग अणु ने। अगे गल करते हैं पानी के अणु की यानी वाटर मोलीक्यूल की। वाटर मोलीक्यूल के ऑक्सीजन एटम एक होंगे और हाइड्रोजन के दो एटम होंगे ने। जो ये जुड़ते हैं तो एक पानी के अणु का यानी H2O का निर्माण होंगे है, जिवें तुसीं इत्थे देख सकते हो। अगे चलते हाँ मीथेन यानी CH4 का मोलीक्यूल। इस दे विच साडे कोल चार हाइड्रोजन तो एक कार्बन लगा होंदा है। अगे आता है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। इसका मतलब है इस दे विच एक नाइट्रोजन तीन ऑक्सीजन तो एक हाइड्रोजन होंदा है जो मिल के एक अणु बनाता है किसका नाइट्रिक तेजाब यानी नाइट्रिक एसिड का, जिसका सूत्र फिर तो पढ़ते हाँ HNO3। सो अगे जड़े कुछ होर अणु दिखाए ने हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2। सो इन्हों अगर तुम देखो तो थानू ये 7 दिखाई दे रहे ने जड़े के डबलिंग दे विच ने, दो दो जुड़े ने। सो इन्हों डायटोमिक मोलीक्यूल्स कहा जाता है। बच्चों डायटोमिक मोलीक्यूल का मतलब होंगे जिथे अणु विच दो एटम्स लगे हों, दो परमाणु लगे हों, जिमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन O2 H2 N2। ठीक है। और पॉलीएटोमिक मतलब पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, दो तो ज़्यादा, जिमें ओजोन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया। और मैं तुहानू एक होर सिखाया कोई अलग अलग तरह के भी लगे आ, जिमें CH4 हो गया, वह भी पॉलीएटोमिक H2O हो गया। सो कहता है कि पॉलीएटोमिक का मतलब एक दो तो वध जो एटम जुड़े होंगे आ ज़्यादा वो पॉलीएटोमिक मोलीक्यूल हो जाते हैं। सो इसनों आप एटोमिसिटी भी बोल दें एक मोलीक्यूल की। एटोमिसिटी यानी परमाणुता। परमाणुता मतलब उस अणु दे विच किन्ने परमाणु लगे ने। ज़्यादातर जो नॉबल गैसा होंदिया ने जिमें न्योन हीलियम उन्हां दे विच इको ही परमाणु लगा होंदा है। पर इत्थे तुसीं नाल पिक्चर देख सकते हो जिवें हाइड्रोजन H2 यानी वह डायटोमिक आ। ठीक है। सो इत्थे दो एटम लगे हुए ने, सो डायटोमिक हो गया हाइड्रोजन। न्योन हीलियम वर्गे जड़े ने, आर्गन हो गए जड़े नॉबल गैसा ने, वह सारे मोनोटोमिक होंगे ने मोलीक्यूल्स यानी एक परमाणवी। सो अगे आप फिर देखते हैं पॉलीएटोमिक यानी बहुपरमाणवी जो अणु ने, ये दो तो ज़्यादा जो तत् ने जुड़े होंगे ने, जिमें पिछे एग्जाम्पल कर चुके हैं CH4, इस तरह इथाइल अलकोहल, बहुत सारे ऐसे साढ़े आस पास जो बहुपरमाणवी मोलीक्यूल्स ने यानी पॉलीएटोमिक मोलीक्यूल्स ने, बहुपरमाणवी अणु ने, वह सानू देखने मिलते हैं। आम जी गल करिए कंपाउंड्स की गल करते हैं अगे यौगिकां दी, जिस दे विच असीं कर चुके हैं हाइड्रोजन दो जुड़ के वाटर बनाते हैं, पानी का अणु बनाते हैं, CH4 भी असीं कर चुके हैं और असी HNO3 भी कर चुके हैं। सो इस तरह बहुत सारे होर भी अणु आप चीज़ों के देख सकते हैं जिहड़ा किसी कंपाउंड का एक सब तो छोटा पार्ट मान सकते हैं जो अपनी सुतंत्र होंद विच मौजूद होंगे ने। अगे आते जी आयन। आयन जड़े होंगे ने ज़्यादातर ये दो तरह के होंगे ने, प्लस अते माइनस वाला यानी धनात्मक ते ऋणात्मक आयन। सो ये उदों होंगे ने जदों कोई एटम जदों या तो इलैक्ट्रॉन देन ते या लैन। जदों इलैक्ट्रॉन देंदे आ ते वह बन जाते हैं कैटायन, ठीक है, धनात्मक चार्जित हो जाते हैं, तो जदों लैंदे ने अनायन हो जाते हैं, नैगेटिव चार्ज हो जाते हैं यानी ऋणात्मक हो जाते हैं। सो दो तरह के आयनस होंगे ने, कैटायन धनात्मक अते अनायन ऋणात्मक चार्जित आयन। सो ये क्लीयर हो गया सारियां नूं। सो अगे देखते हैं कि एटम जिहड़ा हुंदा वैसे तो न्यूट्रल हुंदा, उहदे ते कोई चार्ज नहीं हुंदा, पर जदों लोस कर दिंदा इलैक्ट्रॉन दे दिंदा है किसी नूं तां उह कैटायन बन जाता आ यानी पॉजिटिव चार्ज बन जाता। तो जो वह लैंदा इलैक्ट्रॉन कमी होंगी उन्होंने तो वह अनायन होंगे यानी
नैगेटिव चार्ज हो जाता है। क्लीयर हो गया। सो इतने अगर असं देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड जड़े आयनिक जड़े कंपाउंड यौगिक होंगे ना किमें पाते हैं, जो एक तत् इलैक्ट्रॉन दिता है तो दूसरा लेंदा है, जिमें सोडियम को एक एक्सट्रा होंगे और दे लेंदा है, तो क्लोरीन ले लेंदा है, तो की बन जाता है एन ए पॉजिटिव तो सी एल नैगेटिव, दो चार्ज बन जाते हैं, तो दो ओपोजिट चार्जों के जो आकर्षण बल हों स्ट्रोंग हों जिसके करके एक यौगिक बन जाता सोडियम क्लोराइड जिमें। सो इतें भी असं दोबारा देखते हैं कि सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नैगेटिव हों, जो सोडियम एक देता इलैक्ट्रॉन तो क्लोरीन एक ले लेंदा है, तो वह एक यौगिक बनाते हैं जिसनों असं की बोल दें राइट सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक जो असं आम घर बोल यूज करते हैं एन ए सी एल। सो ये जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे ने बेटा ये बहुत ही स्ट्रोंग होंगे ने, इस करके क्योंकि इन्हों के जो बंधन होंगे आयनी बंधन आप इन्हों बोल दें, और जो आयनी बंधन होंगे तो पता है या कि बहुत स्ट्रोंग होंगे क्योंकि ये एक तत् इलैक्ट्रॉन दिता, तो जो दूसरा होंगे जिन्होंने कमी होंगी वह लेंदा, तो ये लैन देन दे जो एक बॉन्ड बनता है आयनी बंधन बनता बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग होंगे, जिसके करके कंपाउंड्स की यौगिकों की फॉर्मेशन होंगी है, तो आयनी बंधन बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होंगे ने, और इन्हों का पिघलन अंक जो हों बहुत ज़्यादा हाई होंगे, जल्दी पिघलते नहीं ने। सो सोडियम क्लोराइड का भी पिघलन अंक बहुत हाई होंगे। सो उम्मीद करती हाँ कि आज का जो लेक्चर रहा है असं सीखिया कि किवें जो अणु होंगे ने मोलीक्यूल्स होंगे ने परमाणुओं के सुमेल तो बनते हैं, परमाणुओं के जुड़न तो बाद बनते हैं। सो जो मोनोटोमिक होंगे ने ज़्यादातर नोबल गैसा के होंगे ने जिमें न्योन हीलियम आर्गन आदि, पर जो दो परमाणवी होंगे ने डायटोमिक मोलीक्यूल्स होंगे ने जिमें कलोरीन हो गया ऑक्सीजन हो गया एच टू हो गया ये सब होंगे ने, पर बहु परमाणवी का मतलब जिदे दो तो वध परमाणु जुड़े होंगे ने, सो उन्होंने बहु परमाणवी कहा जाता है। सो उस तो बाद असं यौगिक भी किए, यानी जिमें एच एन ओ थ्री एच टू ओ एच टू एस ओ फोर सी एच फोर ये सारे यौगिक ने, ये भी परमाणुओं तो मिलकर बनते ने बहु परमाणवी हो जाते हैं। उस तो बाद असं टॉपिक किया आयन बारे पढ़िया कि आयन जो होंगे ने एटम्स तो ही बनते ने जो एटम इलैक्ट्रॉन देंदे ने या लेंदे ने, ठीक है। सो दो तरह के आयन होंगे ने कैटायन पॉजिटिव वाला यानी धनात्मक, तो एनायन यानी नैगेटिव वाला, एन तो नैगेटिव याद रख लेना तुसी, सो यानी नैगेटिव ऋणात्मक आयन। सो आवश्य है कि तुहानू अज दा टॉपिक चंगी तरह क्लीयर हो गया होएगा। सो थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर। मॉलिक्यूल्स के बारे कितना बढ़िया लेक्चर आया ना, है ना। सो मॉलिक्यूल्स जड़े ने असि सिखिया कि परमाणुओं दे सुमेल तो बनदे ने, है ना प्रिया। हां मिनी सच्ची आज बहुत वधिया लेक्चर सीगा, सानू समझ आ गया कि जो परमाणु हुंदे ने जदो मिल जांदे ने ते ओ मॉलिक्यूल्स बनांदे ने यानी अणु बना दिंदे ने, ते अणु जड़े ने ओ अगो मतलब अलग-अलग तरह दे हुंदे ने, एक परमाणवी भी हुंदा आ, ठीक है। ओ ज्यादातर एक परमाणवी हुंदे ने जड़े नोबल गैसां दे हुंदे ने नियॉन हीलियम आदि दे, और जड़े दो परमाणवी सीगा यानी डायटोमिक सीगा जिवें ऑक्सीजन आ हाइड्रोजन आ, है ना। ते बहु परमाणवी दा की कह रहे सीगे मैम प्रिया, बहु परमाणवी होंगे ने बहु मतलब ज़्यादा, जिदे विच ज़्यादा परमाणु जुड़े होंगे ने जिवें एच एन ओ थ्री हो गया एच टू एस ओ फोर हो गया सी एच फोर हो गया, ये सारे बहु परमाणवी हो जाते ने। राइट थैंक यू, हाँ मैनू याद आ गया हुन सारा। और प्रिया जिहड़े आयन्स होंगे ने दो तरह के होंगे ने, मैम ने दस्या सी ना कि एक होंगे पॉजिटिव वाला कैटायन प्लस वाला ते नेगेटिव वाला ऋणात्मक, पर उन्हें इंग्लिश विच की कहंदे आ मैनू याद नहीं आ रहा। मिनी उन्हें अनायन कहंदे ने, ओहदे विच एन आउंदा है ना, ते एन तो नेगेटिव याद रखना माइनस वाला, राइट। मैम ने लास्ट विच समझाया सीगा कि माइनस तो नेगेटिव याद रखना, एन फॉर नेगेटिव। हाँ याद आ गया प्रिया, एक पॉजिटिव ते एक नेगेटिव आयन होंदा, ते जदों पॉजिटिव नेगेटिव आयन वाले जिहड़े आयन्स होंदे ने जदों मिलदे ने ते कंपाउंड्स बनदे ने जिन्हां नूं असीं आयनिक कंपाउंड्स कहंदे आ, यानी केड़े यौगिक कहंदे आ आयनिक यौगिक कहंदे आ। राइट, साडी बुक ते 40 पेज ते 41 पेज दे उत्ते सारा डिटेल दे विच हैगा आ, ते मैम ने समझा दित्ता आपां ओहदे तों रिवाइज़ कर लैंदे आ ताकि साडा जो रिवीजन है ओह होर चंगी तरह टॉपिक दी हो सके। ओके प्रिया
हाँ मिनी ठीक हाँ, आप रिवाइज कर लवेंगे। तो थैंक यू मिनी, तू मैनू अपने घर लैक्चर लिए बुला लिया, सो थैंक यू सो मच। ओ थैंक यू कादा, तू मेरी फ्रेंड हाँ, फिर की होया, असी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, यही कुछ तो असी स्कूल तो सीखते हैं। तो स्कूल एक सिर्फ पढ़ने का एक जरिया तो है ही है, जितों असी फॉर्मल स्टडी लैंदे हाँ, पर नाल दे नाल असी उत्थों बहुत सारी चंगी गल्लां भी सीखते हैं, जो जिस नाल असी एक चंगे ह्यूमन बीइंग बन सके, एक चंगे मनुख बन सके। सो सानू चंगी गल्लां ज़्यादा अपनाउणियां चाहीदियां ने, और एक दूसरे की एग्जाम के विच जिवें लैक्चर अटेंड कर रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी फ्रेंड नू स्टडी दे विच, तो सानू एक दूसरे की मदद करनी चाहिए है। सो तुसी सारे भी जो साडा लैक्चर देख रहे हो, और वो सारे भी अपना और अपने साथियों का ख्याल भी रखो, और बच्चियो तुसी सारे साडे साथी हो, और इस तरह अपने अपने टीचर्स की गल मन्या करो, ताँ जो साडे सारे स्कूलों का जो रिजल्ट है वह बहुत वधिया आ सके, ते असी COVID-19 नू मात पा सके। घर बैठे असी अपनी ऑनलाइन स्टडीज अपने टीचर्स की मदद के नाल कर सकते हैं, ते जो टीवी दे लैक्चर्स आ रहे ने ते सानू ओधा भी हेल्प लैके अपनी स्टडीज नू होर निखार सकते हैं। सो बाय बाय टू एवरीवन, टेक केयर एंड स्टे होम।